अचार ये गया पराठी खा लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। गाइस गोवर्धन चौराहे पर मिली है चाय। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं और गाइस अब मैं लेने आ गया हूँ छोले कुलचे। तो गाइस वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो गाइस शाम रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं आया हूँ सलोनी दीदी के यहाँ बाइक खड़ी करने। ये गई बाइक खड़ी कर दी, अभी चलते हैं नी के जीजा जी के साथ वहीं हॉस्पिटल पर। तो गाइस अब मैं लेने आ गया हूँ छोले कुलचे। टिक्की लेनी थी मुझे, टिक्की तो मिली नहीं तो पूड़ी रखी है और यहाँ से छोले कुलचे ले लेता हूँ। पूड़ी तो खानी नहीं है अब, तो अब यहाँ से पहले छोले कुलचे ले लेते हैं फिर चलते हैं कहीं घूमने। तो गाइस छोले कुलचे मैं ले लिए दो प्लेट छोले कुलचे और एक 20 रुपए के छोले लिए हैं, अच्छे से एकदम तीखे बनवाए हैं चटपटे। गाइस लड़ाई हो रही है, लेडीजों में लड़ाई हो रही है गाइस यहाँ पर इस घर के अंदर। तो गाइस सुनसान रात है, कोई नहीं साथ है। तो गाइस खाना पीना खा के सेट हो चुका हूँ, कपड़े चेंज कर लिए और अब जा रहा हूँ कुछ चाय कोल्ड ड्रिंक फोल्डिंग पीने मार्केट की तरफ। चलो तो चलते हैं गाइस। और सुबह हमारे कुछ खास फैमिली मेम्बर आ रहे हैं। तो गाइस आ चुका हूँ मार्केट में, चलते हैं उधर, एक चाय की शॉप दिखी है उधर चलते हैं। गाइस यूपी पिक्चर से मिल चुका है पर ये अभी बंद है, जो लोग अंदर चले गए वो चले गए, तो हम इधर चलते हैं। अभी इधर दुकान खुल रही है, चलते हैं आगे की तरफ। चाय ले चुके हैं हम, ये गई चाय और चलते हैं अब सीधा हॉस्पिटल की तरफ। कुल्लड़ वाली चाय लिए, ये गई, ये लिए कहाँ से दिखाऊं, एक मिनट रुको। गाइस मैंने ली है 3 चाय, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए जो मेरी मम्मी है, और एक जीजा जी की मम्मी है जो मम्मी मेरी, दोनों है। 3 चाय ली हैं, ये गई कुल्लड़ जेब में रखे हैं। चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं, फिर सोएंगे चाय पियेंगे। गाइस रात के 1 बज चुके हैं और अभी जो कहते हैं क्या बोतल चेंज हो रही है ग्लूकोज की। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं और चौकीदारी मैं कर रहा हूँ, दोनों मम्मी सो गई हैं और वो सब अंदर हैं, बोतल चल रही है, नींद आ रही है बहुत तेज, पर एक दिन की नींद जाने दो, सब अंदर सो रहे हैं मैं बाहर ही हूँ। चलो तो मिलते हैं आपसे सुबह या रात में, अगर रात में कोई दिक्कत होती है या कहीं जाता हूँ घूमने की, देखता हूँ अगर कोई जग गया तो ठीक है वरना ठीक है। सुबह मिलते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे सुबह। गाइस रात के 2:26 हो रही है और दीदी को बहुत तेज दर्द हो रहा है, पीछे मैंने देखो नर्स को उठा के आया, वो इंजेक्शन लेके आ रही है, इंजेक्शन लगा रही हैं, देखो अभी आते ही होंगी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है गाइस दिखाता हूँ आपको आगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस सुबह सुबह मैं आ गया चाय लेने, बाइक ये गई ठीक है, यहाँ लेने आया था दीदी के घर से और बाइक से चलना है अब चाय लेने, क्योंकि पास में जो दुकान है वो खुल रही नहीं है, वो खुलेंगी 11 बजे, अब बज रहे हैं 6, तो चलते हैं बस चाय लेने सीधे। तो गाइस चलते हैं चाय लेने। गाइस यहाँ तक आ गया, कोई चाय की दुकान देखी नहीं अभी, चलो वापिस चलते हैं और देखते हैं कहीं और दुकान है या आगे की तरफ चलते हैं ठीक है। गाइस गोवर्धन चौराहे पर मिली है चाय, कम से कम 2 किलोमीटर आगे आके चाय की दुकान और चाय बन रही है, भैया बना रहे हैं चाय कड़क।
गाइस चाय तो ले ली हमने, ये गई चाय, चलते हैं अब सीधा हॉस्पिटल। गाइस वन हैंड बाइक वन हैंड मोबाइल, ब्लॉग भी बनना है, बाइक भी चल रही है। तो गाइस हॉस्पिटल बस पहुंचने वाला हूँ, बाइक चल रही है, एक हाथ से ब्लॉग चल रहा है। और आ गए हम हॉस्पिटल पर, ये है गाइस हॉस्पिटल। तो गाइस चलते हैं अंदर चाय लेके, बच्चा रो रहा है। गाइस लाली के लिए लेने जा रहा हूँ पाउडर और साबुन, यहाँ मेडिकल पे अवेलेबल नहीं है। चलो चलते हैं मार्केट में, मिलेंगे आपसे। चलो चलो गाइस, पीछे वाली शॉप से ले लिया बेबी जॉनसन्स का पाउडर, साबुन तो था ही, तो चलो चलते हैं फिर। क्या बात गाइस, यहाँ से मिल गया जो सामान लेना था, प्राइवेट सामान है कुछ, चलते हैं फिर। सौ रुपये उतार के नहाने दे, नहीं नहीं देना, 100 रुपये उतार कर। अचार ये गया पराठी खा लो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, लो अचार। अरे तू जा रही तो गाइस आ चुके हैं हम अलीगढ़ बस स्टैंड पर, और थोड़ी बहुत देर में घर चलते हैं क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है, आपको वीडियो में नहीं दिखेगी। तो देखो आपको दिखाता हूँ, दिखी नहीं, चलो चलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तुलसी में बैठे में आप आ गए केले वाले भैया के पास, देखो ये खड़ा हूँ अलीगढ़ में, देखना इतनी जल्दी कितना पानी भर गया। गाइस रात के बज रहे हैं 11:30, व्लॉग एडिट करके लेट चुका हूँ आराम से। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, ठीक है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आएंगे व्लॉग रक्षाबंधन के, दीदी के, बेबी के नामकरण के, और जो भी होता प्रोग्राम फंक्शन दिखाऊंगा जरूर आपको यूट्यूब पे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हाँ यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो ना, वहाँ स्टोरी लगाता रहता हूँ मैं, सब पता है। देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर टैप करो, इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जय श्री राम।